आगामी बरसात के मौसम में संभावित आपदाओं से राहत व बचाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजन किया गया। हमीर भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने की। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अजीत सेन, सहायक आयुक्त सुनैना शर्मा सहित सभी उपमंडल अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम में बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन आदि घटनाओं से बचाव के लिए जिला में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा मौसम पूर्व अनुमान बारे जारी चेतावनी व परामर्श सभी संबंधितों को तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी और विशेष तौर पर नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को समय पर चेतावनी भी जारी की जाएगी ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा सके। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकायों व पंचायती राज विभाग को आदेश दिए कि वे बरसात से पूर्व नालियां, नालों से बारिश के पानी का निर्बाधा बहाव सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाएं, भूस्खलन के लिए संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सड़कों व रास्तों से मलबा हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी व मानव संसाधन समय रहते चिन्हित कर लें, आपात स्थितियों में दवाओं, खाद्य सामग्री सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का समुचित भंडारण सुनिश्चित करें। जिला कांगड़ा में महिला व पुरुष कांस्टेबल सहित चालकों के 265 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो जाएगी। ये भर्ती प्रक्रिया 7 जुलाई तक पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। 265 पदों में से पुरुष वर्ग के 178 व महिला वर्ग के 52 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। वहीं चालकों के 35 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। ये जानकारी DIG संतोष पटियाल ने दी। उन्होंने बताया कि 18 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया सुबह 6 से लेकर सायं 6 बजे तक चलेगी। संतोष पटियाल ने बताया कि भर्ती के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी शारीरिक क्षति या चोट लगती है तो उसके लिए पुलिस विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है। भर्ती के लिए पहली बार अभ्यर्थियों को अपने प्रमाण पत्र साथ लाने नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों ने जो मोबाइल नंबर ऑनलाइन आवेदन के दौरान दिया था उसी पर SMS भेजने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी, जिसमें संबंधित अभ्यर्थी लॉगिन ID और पासवर्ड होगा, जिससे लॉगिन करके अभ्यर्थी अपने ID नंबर डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती के लिए वही एडमिट कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। DIG संतोष पटियाल ने बताया कि 2 जुलाई से महिला कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 2 जुलाई को विभिन्न ID नंबरों के तहत महिला अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। वहीं 5 जुलाई को पुलिस चालक भर्ती का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चालक भर्ती के लिए 5 जुलाई से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। चालक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट 6 व 7 जुलाई को देंगे। संतोष पटियाल ने पुलिस भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों से दलालों से बचने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है तथा इसमें भाग लेने वाले दलालों के झांसे में वे ना आए। यदि कोई ऐसा करता है तो अभ्यर्थी पुलिस को सूचित करे, संबंधित व्यक्ति पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं में एक रूपता लाई जाएगी। प्रार्थना सभा में योग को इंट्रोड्यूस करने के भी प्रयास होंगे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सभागार में पहुंचे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश में स्टूडेंट्स को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का ज्ञान होना जरूरी है। वहीं प्रार्थना सभाओं में स्कूलों में योग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड का पूरा काम पेपरलेस किया जाएगा। बोर्ड अधिकतर काम ऑनलाइन कर रहा है। शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर भी काम कर रहा है। इसमें नैतिक शिक्षा सहित
स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। वहीं योग और बेसिक मैथ सहित चेस, संस्कृत और संगीत विषय शुरू करने का भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेस को स्पोर्ट्स में डाला जाएगा या सिलेबस में शामिल किया जाएगा, इसलिए एग्जामिन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चेस ऐसी गेम है जिससे दिमाग तेज होता है। स्कूली बच्चों को गणित के लंबे फॉर्मूले से निजात दिलवाने के लिए बोर्ड भी काम कर रहा है। इसके लिए बोर्ड स्कूलों में वैदिक गणित शुरू करेगा। इससे बच्चों में गणित के खौफ को खत्म करने के भी काम किए जाएंगे ताकि बच्चे आसानी से गणित को पढ़ सकें।